शॉपिंग करने न्यूयॉर्क सिटी जा रहे। आई लाइक दिस ओल्ड फैशन वे। एंड बारिश स्टार्ट हो गया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग फाइनल शॉपिंग करने न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं, बिकॉज यू नो न्यूयॉर्क सिटी में बहुत कुछ मिलता है जो यहाँ पे नहीं मिलता है, यू नो टी शर्ट्स एंड ऑल। तो वो सब खरीदने जा रहे हैं। एंड क्योंकि राय का एग्जाम भी और एक ही एग्जाम बाकी है मैथ्स, तो शी हैज टाइम फॉर दैट। एंड उसके बाद और जाना ही नहीं होगा, फिर हम लोग चले जाएंगे। तो हम लोगों को लगा चलो घूम के आते हैं। मौसम ऐसा अभी सुहाना लग रहा है, बट इट्स नॉट सुहाना बिकॉज इट इज गोइंग टू रेन। इसलिए थोड़ा यू ना गर्मी है। इट्स हॉट राइट? या बहुत हॉट है, राय बोल रही है। एंड हाँ, सोमवार का जो वीडियो आया एक्चुअली वो मैं फ्राइडे पोस्ट यानी आज पोस्ट करने वाली थी। एवरीथिंग वाज रेडी, मुझे सिर्फ यू नो पब्लिक करना था, पर सुबह से और हुआ ही नहीं। फिर मुझे लगा तो अच्छा हुआ, यू नो ट्रेन लेट है। हम लोगों को लगा आज हम लोग ट्रेन फुल मिस करेंगे, एंड ट्रेन मिस करते हैं ना क्योंकि ऑफ पीक है ना, फिर और 1 आवर बाद ट्रेन है। एंड आप सबको तो बताया, मैंने बहुत बार बताया दिस इज हडसन रिवर। अच्छा लग रहा है, शांत है। हम लोगों को लगा हम लोगों का ट्रेन आ गया। एक्चुअली ट्रेन काफी लेट है, फर्स्ट टाइम ना मैं देख रही हूँ कि ट्रेन इतना। तो इंतजार की खरी खत्म एंड ट्रेन आ गया। एंड बोलते हैं ना जब किस्मत अच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे ना ट्रेन बहुत कम लेट आता है। बट टुडे वाज द डे जब ट्रेन लेट आया, नहीं तो आज हम लोगों का श्योरली लाइक मिस ही हो जाता ट्रेन। एंड ये बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं, मतलब सिटी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो फाइनली पहुंच गए, थोड़ा थोड़ा हाफ एन आवर लेट हो गया। एंड अभी बहुत टूरिस्ट है क्योंकि समर टाइम है ना, तो चलिए बाहर चल। एंड ग्रैंड सेंट्रल एक्चुअली काफी खूबसूरत है, एंड बहुत जन ना लाइक टेक ए टूर ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, हम लोगों ने कभी भी नहीं लिया। तो चलिए अभी देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। सिटी इज ऑलवेज बिजी एज यूजुअल। तो अभी समर टाइम है ना, इसलिए लॉट ऑफ इंडियन पेरेंट्स आई कैन सी, एंड आई नो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के पेरेंट्स भी इंडिया से आए हैं। तो पहले हम लोग जाएंगे, देखते हैं कहाँ, कुछ डिसाइड नहीं किया है। एंड मैंने शायद कभी भी आप सबसे शेयर नहीं किया है कि शॉमिक का ऑफिस नाउ इज रियली क्लोज टू ग्रैंड सेंट्रल। नहीं तो पहले शॉमिक का ऑफिस एक्चुअली थोड़ा दूर ही था, बट अभी यू नो इट्स क्वाइट क्लोज, से 5 मिनट्स लगता है। तो चलिए अभी क्रॉस कर लेते हैं। एंड आई लव दिस येल्लो टैक्सी। वीकडेज है ना, बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है आज। तो अभी हम लोग टाइम स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं। ये देयर आर लॉट ऑफ गिफ्ट शॉप, तो ये सब गिफ्ट शॉप्स है वेयर यू गेट द सोवेनियर एंड ऑल। तो वो थोड़ा लेंगे, लाइक मैं टी शर्ट लेती हूँ वो लेंगे। एंड देन डिज्नी स्टोर में मेरा काफ़ी सारा पॉइंट्स हुआ है, तो उस डिज्नी स्टोर से भी कुछ ले लेंगे। बस फिलहाल ये दो ही काम है, एंड देन वील गो एट ईट। एंड अभी ऑलमोस्ट समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है। न्यूयॉर्क में थोड़ा लेट होता है एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द जगह पे स्टार्ट हो ही चुका है। तो एनी वन ऑफ यू आर प्लानिंग टू विजिट न्यूयॉर्क सिटी तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। एंड टाइम स्क्वायर इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस, मैं बोलूँ ना यहाँ पे आओ तो ऐसा ही मन खुश हो जाता है। पहले आई यूज़ टू क्लिक ए लॉट ऑफ पिक्चर, अभी होता है ना आप देखेंगे जहाँ पे आप रहते हैं आपको और वो जगह का पिक्चर क्लिक करने का ही मन नहीं करता है। तो अभी फर्स्ट हम लोग पहुँच गए हैं गिफ्ट शॉप पे, एंड देखती हूँ मैं क्या लूँगी। वी आर सीइंग सम टी शर्ट, पर अभी ये सब टी शर्ट ना काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है।
एंड दिस इज द फेमस पूल। इस पूल के सामने में कभी भी मुझे पिक्चर क्लिक करने का मौका नहीं मिला एंड आई थिंक सो दैट मूवी वॉज देयर ना, किंग कॉन्ग, ये उसी का है। मुझे वो मूवी बहुत पसंद था, या वो मूवी का ही है। तो चलिए, हो गया है एंड अभी हम लोग जाएंगे डिज्नी स्टोर के तरफ। तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन क्लिक पिक्चर्स, बट डेफिनेटली यू हैव टू पे देम बिकॉज वो लोग इतना मेहनत करते हैं। एंड आ गए हम लोग डिज्नी स्टोर, बट अगेन द सेम प्रॉब्लम। एंड डिज्नी स्टोर का ये जगह मुझे बेस्ट लगता है। ये एक सिट के लिए लूंगी बिकॉज सिट को मिकी माउस बहुत पसंद है। एंड मेरी ननद की बेटी तो नाउ शी इज बिग, यू नो, थोड़ी बड़ी हो गई है, तो वही मैं सिट के लिए देख रही हूँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोग और एक शॉप में जाएंगे एंड दैट्स इट। देख के लग रहा है कि बारिश स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस वन वॉज सो फनी, बहुत ही मजा आ रहा था देख के। एंड बारिश स्टार्ट हो गया बट हम लोग का शॉपिंग भी खत्म। तो आ गए हम लोग अपने फेवरेट रेस्टोरेंट उत्सव एंड फर्स्ट हम लोगों ने चिली पनीर लिया। इट वाज रियली टेस्टी बट $22 में ओनली 6 पनीर। जो भी हो, देन वी टुक सम चिली फ्राई, चिकन फ्राइड राइस एंड सम चिकन मंचूरियन। तो अभी बहुत जोरों से बारिश हो रहा है तो राय गई है वहाँ पे एक शॉप है अम्ब्रेला खरीदने, या एंड खरीद के राय आ भी गई कि कितना बारिश हो रहा है। ये सब मामले में ना राय ना बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है। गुड, ओह वाओ, यू गॉट टू और वन, हाउ मच इज इट? तो फिर अभी कैसा करके जाए, तो मैंने भी और एक यू नो अम्ब्रेला खरीदा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ एंड फिर यहाँ पैसा करके बैग ले लिया। तो चलिए फिर से चले जाते हैं अपने घर। तो फाइनली पहुंच गए एंड थोड़ा टाइम के लिए बारिश हुआ था तो राय ने ना, देन शी गॉट दिस अम्ब्रेला। ये $10 था एंड राय का $15, पर $10 का हालत बहुत ही खराब है। लाइक ये सब ना, अगर बहुत बारिश होगा ना, हार्डली 1 आवर, उसके बाद ऐसा ही खराब हो जाता है। तो कल आने के बाद फिर और मुझे टाइम ही नहीं मिला एंड पता नहीं यार व्हेन आई विल स्टार्ट पैकिंग एंड ऑल, सिर्फ वहाँ पे जमा हो ही रहा है एक्चुअली। तो अभी सीधे ना, जैसे कि सुबह से अभी जाके वो सोया, नाउ आई हैव टू कुक क्योंकि राय का एग्ज़ाम है तो राय पढ़ाई कर रही है, तो चलिए वही करते हैं। एंड न्यूयॉर्क से मैंने क्या क्या खरीदा, वी वेंट टू डिज्नी स्टोर बिकॉज आई हैड सम पॉइंट, यू नो, क्योंकि मेरे पास वो क्रेडिट कार्ड है डिज्नी का, तो पॉइंट जो होते हैं ना एक्चुअली वो ना यू कैन परचेज समथिंग फ्रॉम डिज्नी स्टोर एंड ऑल, वो ही सब है। तो काफ़ी सारा पॉइंट हो गया था, पर इन दिस कंट्री ना, इफ़ यू, अगर आपका बॉय बेबी है, यू वॉन्ट गेट एनी ऑप्शंस, ओनली इतने कम लाइक क्लोथ्स होते हैं। तो डिज्नी में भी सेम, यू नो, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रिंसेस प्रिंसेस प्रिंसेस, लड़कों के लिए था ही क्या। तो सीत के लिए सिर्फ मैंने, मुझे लगता है, 2 खरीदा बिकॉज और कुछ था ही नहीं। देन क्या करूँ, देन आई गॉट ए टॉवल क्योंकि जाएंगे तो चलो नया एक टॉवल भी हो गया। और क्या खरीदा, और हाँ, राय ने अपने लिए एक टॉप खरीदा, वो बहुत ही लाइक इट्स रियली वेरी स्वीट, बहुत अच्छा लगा वो टॉप, वो खरीदा, दैट्स इट। एंड फिर क्योंकि इंडिया जा रहे, यू नो, इफ़ यू वॉन्ट टू गिव समवन, तो ऐसा न्यूयॉर्क लिखा हुआ मैंने खरीदा, टी शर्ट खरीदा। पर पहले ना, मैं बहुत ही पहले की बात कर रही हूँ, व्हेन माय मॉम एंड डैड केम, आई थिंक सो इन 2010 की मैं बात कर रही हूँ, तो 13 इयर्स पुराने बात कर रही हूँ। तब ना ये सब टी शर्ट ना वी यूज़ टू गेट इन ओनली $5 में मिलता था एंड वो काफ़ी अच्छा था। इट यूज़ टू बी वाइट कलर, फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड ऑल का, यू नो, फोटो एंड ऑल हुआ करता था। पर अभी ना एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव सभी जगह पर, हो गया कितना साल भी हो चुका है। सो नाउ द टाइम इज़ 12:30, तो शॉमी का आके
शॉमिक सुबह पे ही वेंट टू द इंडियन स्टोर, क्योंकि राइस ही नहीं है, मैं जैसे बोल रही थी। एंड मैंने फिर शॉमिक को बोला तुम पनीर लेकर आओ, तो मेरा हल्दीराम का पनीर नहीं मिला। एक्चुअली आई लव दिस कंपनी यार, वेदी लाल, अभी बहुत जन बोलेंगे गलत प्रोनाउंस कर रही हो, तो जो भी हो, तो वेदी लाल का पनीर ही गॉट। सो आई मेक फॉर राय एंड कुछ कुछ सामान शॉमिक गॉट। तो शॉमिक गॉट ए लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो है मलाई पनीर, देखती हूँ वैदी लाल का कैसा होता है, जो भी हो काम चल जाएगा। देन ये मोतीचूर के लड्डू, देन शॉमिक इज लाइक ये भी खरीद लेता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो। चिकन कबाब रोल, ये एक्चुअली खाने में इट्स ओके ओनली, पर मुझे ना ये सब फ्रोजन फूड इतना पसंद नहीं है। देन मिठाई, देन मैगी, या मैगी इज़ वेरी यूजफुल या ड्यूरिंग द टाइम्स यू नो, जब आपको इतना ज़्यादा खाना ना बनाना हो एंड यू हैव टू पैक। मैंने शॉमिक को भिंडी लाने को बोला था, शायद नहीं मिला, सो ही गॉट परवल। फिर थोड़ा ग्रीन चिली, घर में ग्रीन चिली था, देन ऑल्सो देन दैट्स फाइन। फिर ये राय को ये बिस्किट बहुत पसंद है, मुझे ये बिस्किट बहुत पसंद है। एंड सिद को ना मैरी गोल्ड काफ़ी अच्छा लगता है, तो सिद के लिए मैरी गोल्ड। एंड ये रहा फुल्का एंड डोसा। हाँ, मुझे लगा था शॉमिक विल मेक, बिकॉज इतने सारे वेराइटी है ना। व्हाट इज दिस मिलेट बैटर, ये कैसा होगा, जो भी हो। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं सारा सामान रख देती हूँ एंड उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। सैटरडे है एंड अभी ऑब्वियसली आई विल मेक पनीर टुडे। मसाला बनाएंगे तो फर्स्ट मैंने पैन में ना एक इलायची, फिर थोड़ा दालचीनी, एक लौंग दिया है, उसके बाद मैंने हाफ अनियन दिया है, हाफ टमाटर दिया है, दो ग्रीन चिली, तो अभी अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। एंड जब टमाटर एंड अनियंस थोड़े फ्राई हो जाए ना, देन ऐड अराउंड 1 teaspoon ऑफ कसूरी मेथी एंड फिर से हम लोगों को भूनना है। तो ये अच्छी तरीके से पक चुका है, ठंडा होने के बाद ना अभी इसका पेस्ट हम लोग बना लेंगे। एंड शॉमिक परवल लाए थे तो मुझे लगा कि चलो परवल फ्राई भी बना लूँगी, क्योंकि अभी लाए ना तो इट इज़ फ्रेश। बनाने के लिए फर्स्ट मैंने तेल पे जीरा दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्यूब साइज में ना बेल पेपर एंड अनियंस कट कर लिया था एंड थोड़ा गार्लिक भी दिया था। तो जब ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए ना, फिर इसको निकाल के रख दीजिएगा, विल गिव इट एट द एंड, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। एंड अभी हम लोगों ने जो मसाला बनाया था तो उसका पेस्ट भी मैंने बना लिया है, सो ऐड इट। पर द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये तो ऑलरेडी कुक्ड है ना, तो ज़्यादा टाइम आपको भूनना नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, फिर मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सॉल्ट, तो थोड़ा भूनेंगे। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ सब्जी मसाला, नहीं तो यू कैन जस्ट ऐड जीरा एंड धनिया इक्वल अमाउंट का, तो थोड़ा भून लेंगे। एंड देखिए कितना अच्छा कलर आया है। फिर मैंने पनीर ऐड किया है एंड आज मैं सोच रही हूँ ना, आई वॉन्ट ऐड यू नो दैट मच वाटर, हर वक्त ना इतना ग्रेवी अच्छा नहीं लगता है। फिर हम लोगों ने जो फ्राई किया था ना अनियंस एंड बेल पेपर को, वो मैंने ऐड कर दिया है। अभी मैं थोड़ा फ्राई करूंगी, इफ यू वांट एट द एंड यू कैन ऐड सम कसूरी मेथी, मैंने और ऐड नहीं किया। तो अभी टाइम हुआ है 3 बजने वाला एंड पनीर बहुत टेस्टी हुआ था। हर वक्त ना इतना ग्रेवी ग्रेवी अच्छा नहीं लगता है, टुडे इट वाज सेमी ग्रेवी ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली ये रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर के फ्लोर में, क्योंकि मैंने शॉमिक को बोला है कि चलो यू नो देख लो कितने सारे सूट के सब लोग ले कर जा रहे हैं एंड इतना बड़ा भी नहीं है, वही मैं उनको बोल रही थी, यू आर स्लीपिंग। तो चलो फर्स्ट पैकिंग टुडे, आई ट्राई टू पैक दिस बोथ सूटकेस। तो चलिए अभी घर शांत है, शॉमिक सीट को लेकर नीचे चले गए हैं एंड मैंने बोला दूध पिला दो यू नो, थोड़ा वो बिस्तर पे खेलेगा, देन ही विल स्लीप एंड नाउ आई विल स्टार्ट पैकिंग। फ़िलहाल मैं सिर्फ एक ही सूटकेस लेके आई हूँ एंड क्योंकि यू नो सीट का बहुत सारा सामान है ना, मैं ना हर वक्त ऐसा करती हूँ एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल कि क्या यू नो, तो मैं क्या क्या यू नो द थिंग्स दैट आई एम कीपिंग मैं लिख के रख दूंगी। मुझे ना ये आई लाइक दिस ओल्ड फैशन वे ओनली। शॉमिक बोल रहे थे हाँ इंडेक्स बनाओ फोन में, सर आई डोंट लाइक इट यार, मैं इसमें लिखूंगी एंड आई टेक इट इन माई बैग। सो आज से पैकिंग शुरू एंड इस बार का पैकिंग एक्चुअली थोड़ा मुश्किल लग रहा है, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द मिल्क। एंड मैंने एयरलाइंस को
पूछा भी था तो वो लोग बोल रहे थे या यू नो चेक्ड इन लगेज में यू कैन टेक एनीथिंग एंड मैं डायपर लूंगी बिकॉज मैक्सिमम ऑफ यू जो लोग यहाँ पे रहते हैं टोल्ड मी कि पायल डायपर लेके जाओ जो यूज करता है. इट सीम्स इंडिया में ना बिकॉज वेदर चेंज होता है ना तो बच्चों को बहुत सारे रैशेज होते हैं. तो वही अभी मैं थोड़ा पिक्चर भी क्लिक कर रही हूँ एंड देन मैं लिखूंगी क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें मैंने रखा है तो ना बहुत इजी होता है बिकॉज इस बार ना हम लोग का स्टे थोड़ा अलग होने वाला है मैं यही बोलूंगी. तो काफ़ी लेट हो गया एंड उसके बाद यू नो मैं नीचे चली गई देन वी वर टॉकिंग एंड ऑल एंड इंडिया जाते हैं ना यू नो हम लोग का होता है कि क्या कौन से रेस्टोरेंट में खाएंगे एंड ऐसा नहीं है यू नो एवरीवन विल एग्री दैट आई डोंट वांट टू हैव इन ऑल दिस हाई फाई रेस्टोरेंट. यू नो मैं लाइक छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में खाना चाहती हूँ जहाँ पे बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है. सो वही हम लोग सब देख रहे थे. सो नाउ द टाइम इज़ 5:15 एंड चलिए ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड नाउ क्योंकि मेरे पास ना आई हैव दिस बबल रैप तो मैं सोच रही हूँ ना लाइक मिल्क का जो पैकेट है ना आई जस्ट रैप विद दिस बबल रैप यू नो क्योंकि कुछ सब कुछ ख़राब हो जाए यू नो मिल्क ठीक रहना चाहिए दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस. तो एक तो हो गया तो नाउ आई विल डू द सेकेंड वन एंड सेकेंड वन में मोस्टली जो मैंने सबके लिए खरीदा है आई विल सी कि एक में ही हो जाए बिकॉज इस बार हम लोग का एवरीथिंग इज डिफरेंट. इस बार मैं वही बोलूँगी एक अलग एक्सपीरियंस होगा एंड यू विल ऑल्सो गेट टू सी एंड बहुत जन ऐसा करते हैं बिकॉज नाउ टाइम हैज़ चेंज्ड. तो चलिए उसके साथ ये व्लॉग को भी एंड कर देते हैं एंड हाँ बहुत ही सुहाना मौसम है तो मैं कोशिश करूँगी आप सबसे मिलने टुमारो एंड कल के वीडियो में आई विल शेयर व्हाट आर द थिंग्स आई हैव परचेज फॉर एवरीवन. वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक एंड हाँ टाटा.